हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो है सोल्यूशन, वो जो 2020 में एग्जाम हुआ था उसका मैं सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि अपकमिंग डेज में जो वीडियो आएगी वो 2020 के सोल्यूशन की वीडियो आएगी, लाइक DU हुआ, JNU हुआ, GMI हुआ, इन सारे एंट्रेंस टेस्ट का जो सोल्यूशनों को मैं ट्राई करूँगा अपलोड करने की। तो ये जो पेपर है आप देख सकते हैं, ये कैंडिडेट रिस्पॉन्स सीट है। तो ये पेपर मेरे एक स्टूडेंट का है लास्ट ईयर, मैक्सिमम लोग जानते होंगे जो चैनल से पहले जुड़े होंगे, उनका नेम मुस्कान है। तो इनकी ऑल इंडिया रैंक जो थी DU में आई थिंक सेट 12 थी, और BHU में इनकी ऑल इंडिया रैंक, BHU में ऑल इंडिया रैंक थी इनकी 34। इनिशियली इन्होंने BHU में एडमिशन लिया हुआ था, लेकिन जो इनका होम टाउन है वो दिल्ली के पास है, तो इन्होंने फिर DU में स्विच कर लिया। ऑल दो ऐसे स्टूडेंट जो हैं, इनके बाद मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट अलंकार है, वो भी वहीं पे है, DU में ही है। तो मैंने उनसे पेपर लिया हुआ है और इस पेपर को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी चैनल को नए हैं, अगर वो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आईडी दी रहती है और डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एन एटॉमिक ट्रांजिशन लाइन विथ वेवलेंथ 350 नैनोमीटर। तो लैम्डा की जो वैल्यू आपकी कितनी है, 350 नैनोमीटर है। इज ऑब्जर्व टू बी स्प्लिट इनटू 3 कंपोनेंट्स इन ए स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फ्रॉम ए सन स्पॉट। एडजेसेंट कंपोनेंट आर सेपरेटेड बाई 1.7 पिकोमीटर। ओके, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सन स्पॉट। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्प्लिटिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें जो है स्प्लिटिंग हो रही है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो बी है उसकी वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। ओके, चलते हैं जीमान इफेक्ट वाले फार्मूले पर लगाते हैं। तो उसमें हमें पता है कि जो डेल्टा न्यू होता है वो कितना होता है आपका, वो होता है EB अपॉन 4πm। इसको डाउट होगा वो एक बार चेक कर लेगा, ठीक है। और आपको पता है कि जो सी की वैल्यू होती है वो न्यू लैम्डा होती है, यहाँ से न्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी सी बाई लैम्डा। ओके, तो डेल्टा न्यू अगर हम निकालें, अब इसको चेंज कर देते हैं लैम्डा के टर्म में, ये हो जाएगा आपका माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू EB अपॉन 4πm इंटू लैम्डा स्क्वायर बाई सी। तो हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 4πm अपॉन ई लैम्डा स्क्वायर इंटू सी डी डेल्टा लैम्डा। अब देखिए आपको सारी चीज़ की वैल्यू दी हुई है, आप यहाँ पे सब मास पुट कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पुट कर दिए, वेवलेंथ दिया हुआ है वो पुट कर दीजिए, सारी चीज़ की वैल्यू को अगर आप पुट कर देंगे तो आप पाएंगे कि जो बी की वैल्यू निकल के आती है, जो आपको मिलेगी वो आएगी 0.3 टेस्ला, जो कि देखिए इनका भी ऑप्शन क्या था वो सही था। तो ऑप्शन जो सी होगा यहाँ पे 0.3 टेस्ला, वो क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा 0.3 टेस्ला। यहाँ पे देख कन्फ्यूज मत होइएगा, 3 टेस्ला भी दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन हैविंग अ सेम डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम। देखिए अगर हम वेवलेंथ की बात करें डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ की, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, एच अपॉन पी होती है। इसमें बात किया जाए तो आपको ये पता है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होती है डी ब्रॉग्ली में, एच अपॉन पी होती है। अब कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है इसमें आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन केस में, जिसमें वेवलेंथ लैम्डा 1 मान लीजिए, प्रोटॉन केस में लैम्डा 2 मान लीजिए। ओके, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2, कह रहा है हैविंग ए सेम डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा 2 के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा कि एच अपॉन P1 इज इक्वल टू एच अपॉन P2। एच तो चेंज हो नहीं सकता, लैंग कॉन्स्टेंट है, तो इसके कैंसिल हो जाएगा, तो ये इम्प्लाइज करेगा P1 इज इक्वल टू P2। तो इसका कहने का मतलब है कि दोनों का जो मोमेंटम होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन जो बी है 26648, ये देखिए दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा,
राइट ऑप्शन हो जाए, तो इसको टिक कर लें हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर पी एंड आर एच आर द रेडियस एंड ई पी एंड ई एच आर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम एंड हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली देन। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो ग्रुप में कई बार डिस्कस किया जा चुका है, तो कुछ क्वेश्चन जब भी मैं सोल्यूशन देता हूँ तो एक दो क्वेश्चन की जो डिटेल सोल्यूशन मैं नहीं देता, वो इसलिए नहीं देता कि जो भी इनएक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ एक्टिव रहिए ग्रुप में, ताकि आपको पता चल पाए कि क्या डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो आपको ग्रुप में रहने का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आएगा तो आप पूछिएगा, फिर मैं आपको फिर से वो बताऊँगा। इसमें क्या होगा, जो आर पी होगा जो पॉजिट्रोनियम है उसका जो रेडियस होगा वो 2 times ऑफ हाइड्रोजन होगा पहला वाला, और जो एनर्जी होगी वो 2 times ऑफ हाइड्रोजन होगी। इसको आप चेक कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा, मैं आपको इसको डिटेल सोल्यूशन फिर से बताऊँगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कह रहा है एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है, 0.16 nanometer इज इंसिडेंट ऑन ए सेट ऑफ प्लेन ऑफ ए सर्टेन क्रिस्टल, द फर्स्ट ब्रैग रिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व फॉर इंसिडेंट एंगल ऑफ 30 degree, थीटा की वैल्यू ये है, व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटर प्लेनर स्पेसिंग। बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपकी 0.16 nanometer, और आपका थीटा कितना दिया हुआ है 30 degree, आपको लगा क्या देना है 2d sin theta इज इक्वल टू एन लैम्डा लगा देना है, और यहाँ से लगाने के बाद सारी चीज़ की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 into d, और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 n1, और लैम्डा की वैल्यू लिख लीजिए 0.16 nanometer। यहाँ से जब d के 2 से 2 कैंसिल है तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेम 0.16 nanometer। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 जो है वो दिख रहा है, तो ऑप्शन 1 को क्या कर लें, राइट ऑप्शन टिक कर लें, क्योंकि यही हमें दिख रहा है। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन आईडी के टर्म में, कह रहा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सिल्वर हैविंग फर्मी एनर्जी, ईएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 5.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पूछा क्या है वेलोसिटी वीएफ की वैल्यू पूछी हुई है। तो देखिए हमें पता है कि ईएफ जो होगा वो क्या होगा 1/2 m vf square, तो यहाँ से वीएफ की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी आ जाएगी √2 ef/m। अब यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देखिए क्या करेंगे 2 into 5.52 into, इसको चेंज कर लीजिएगा किसमें, जूल में, राइट, और एम की वैल्यू रख दीजिएगा 9.1 into 10^-31। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप देखेंगे कि ऑप्शन जो थर्ड है 1.39 10^6 meter per second वही आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं, करा गिवन दैट ए पीस ऑफ एन टाइप सिलिकॉन कंटेंस 8 into 10^21 per meter cube फॉस्फोरस इम्प्योरिटी एटम्स। अब देखिए ये क्या होता है, इम्प्योरिटी एटम्स के बारे में भी जानते रहिए आप, कि कब एन टाइप होगा, पेंटावेलेंट कब होगा, कब पी टाइप होगा, ट्राइवेलेंट कब होगा, ये सब सारी चीज़ें आप जानते रहेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, ये सब पेंटावेलेंट है, बुरान हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, ये सब ट्राइवेलेंट है। ये सारी चीज़ें आप जानते रहिए इम्प्योरिटी क्या होती है, और आपको पता है कि अगर एनी इंटू एन एच की जो वैल्यू होती है वो एन आई स्क्वायर के इक्वल होती है। एन आई क्या, इंट्रिंजिक है, एनी मतलब इलेक्ट्रॉन का, जो भी आपके पास इम्पोर्टी एटम्स हैं, और एन एच पर होल मीन्स एक पेंटावेलेंट होगा, एक ट्राईवेलेंट होगा। ओके तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये देखिए एन टाइप सिलिकॉन, मतलब एनी की वैल्यू दी हुई है, ये एनी हो गया आपका। और क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन एट ट्रू टेम्परेचर गिवन दैट द इंट्रिंजिक इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, मतलब ये जो वैल्यू है वो एन आई की वैल्यू दी हुई है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, NH कैलकुलेट करना है, तो कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एनी की वैल्यू 8 into 10^21 into NH इज इक्वल टू 1.6 into 10^16 का होल स्क्वायर। यहाँ से NH की जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2.56 into 10^32 upon 8 into 10^21, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा 3.2 into 10^10 per meter cube। तो देखिए 3.2 into 10^10, ये ऑप्शन जो सी है आपका वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए चलते हैं, द डिस्पर्सन रिलेशन फॉर ए 1-dimensional मोनोएटॉमिक लैटिस चेन इज गिवन बाय द इक्वेशन ओमेगा इक्वल टू, क्या दिया हुआ है यहाँ लिख लें, ओमेगा इक्वल टू 2 πa Vs sin kA/2, इतना दिया हुआ है। ये क्या होता है आपका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है, स्पेसिंग होती है, और के क्या है आपका 2π λ है, ठीक है। Vs का जो कह रहा है, एंड Vs हैज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, द रिलेशन बिटवीन द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी कर दिया आपको, घबराने की जरूरत है ही नहीं इसमें।
अब देखिए इसमें करना क्या है, अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए, क्या मान लें लैम्डा, अगर वेवलेंथ अगर आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है और कह रहा है कि द डिस्पर्सन रिलेशन फॉर 1D मोनोटॉमिक लैटिस चेंज गिवन बाय दिस इक्वेशन, तो ओमेगा की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब इसमें क्या है कि कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी फॉर लॉन्ग वेवलेंथ, क्योंकि लैम्डा जब इंक्रीज करेगा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो थीटा जो हो जाएगा वो डिक्रीज कर जाएगा, और आपको पता है कि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा जो होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/a, ये हो जाएगा KA/2, ए से ए कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आपके आ रही है इम्प्लाइज करेगा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी VS into K। आपको क्या पता है कि ओमेगा बाई के को इधर मिला लीजिए, इक्वल टू लिख दीजिए VS, ओमेगा बाई के क्या आपका फेज वेलोसिटी है, तो VP इक्वल टू क्या आ जाएगा VS इक्वेशन 1। इसी तरीके से हम इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, इस वाली इक्वेशन को, ये क्या हो जाएगा देखिए dω/dk भी क्या आ जाएगा VS, और ये होती ग्रुप वेलोसिटी। यहाँ से देख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कि VG की वैल्यू किसके इक्वल है, VP की वैल्यू किसके इक्वल है, VG के इक्वल है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो थर्ड है VP = VG वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट चलिए चलते हैं, द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ ए लाइट फॉलिंग ऑन ए डबल स्लिट सेपरेटेड बाई 1.5 माइक्रोमीटर फॉर विच देयर इज ए फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, अब यहाँ पे ये आप मत लगा दीजिएगा 2D sin θ = nλ, देखिए ये सब समझना पड़ेगा। देखिए डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1.5 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू 1 रख सकते हैं। ओके, अब देखिए होता क्या है कि जो रिलेशन होता है किसके किसके बीच में, एंगुलर पोजिशन किसी भी ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन लैम्डा एन और डी, किसी ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन, वेवलेंथ, नंबर ऑफ एन की वैल्यू जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा होती है या सेकंड ऑर्डर एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और जो डिस्टेंस दिया रहता है उसके बीच में जो रिलेशन होता है आप पढ़े होंगे वो क्या होता है, dSin θ max = nλ। ओके, अब एन इक्वल टू 1 रख दीजिए और थीटा मैक्स जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वो भी 1 हो सकती है, तो यहाँ हो जाएगा d(1) = 1λ। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा के इक्वल होगी, तो लैम्डा की वैल्यू भी क्या आएगी 1.5 माइक्रोमीटर, यही तो आएगी, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 1.5 माइक्रोमीटर। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है, यहाँ पे थोड़ा सा रेंज पूछ दिया हमें, तो देखिए रेंज जो होगा आपका ये किसके, ये आ जाएगा आपका 1.5 माइक्रोमीटर को लिख सकते हैं आप 1.5 × 10⁶ मीटर, और ये चला जाएगा आपका 1500 × 10⁷ अब 1500 कहाँ पे आता है, देखिए इधर ये होता है आपका UV विजिबल आई है, राइट, ऐसे हम लोग का शुरू होता है। अब देखिए UV आपका शुरू होता है 100 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर तक, उसके बाद आपका विजिबल शुरू होता है आपका जो हो जाता है 780 नैनोमीटर तक, और उसके बाद IR मेरा शुरू होता है जो कि फॉर वेवलेंथ के लिए जाता है। तो ये ना UV होगा ना विजिबल होगा ये। अब देखिए अब ये भी बोल सकते हैं कि अब सर एक्सरे में ध्यान देखिएगा, एक्सरे में एंगस्ट्रॉम में जाता है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ओके, कि किसमें लाई करना चाहिए, ये इंफ्रारेड में लाई करना चाहिए, तो ऑप्शन जो ए होगा वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे इन ए मल्टी स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर द कपलिंग कैपेसिटर। देखिए अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिया है कि ब्लॉक DC वगैरह वगैरह, तो देखिए मल्टी स्टेज जो RC कपल्ड एम्पलीफायर होता है इसमें जो कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है वो ध्यान दीजिए, जो कपलिंग कैपेसिटर होता है वो क्या करता है कि DC कंपोनेंट जो होता है उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। DC कंपोनेंट क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक ऐसा करता है कि जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस को अफेक्ट ना करे, तो ऑप्शन ए जो दिख रहा है आपको वही क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट चलिए चलते हैं, आइए अब देखिए कह रहा है इन AM ट्रांसमीटर इज कपल्ड टू एन एरियल
द इनपुट करेंट इज फाउंड टू बी ए 5 एम्पियर. इनपुट कितना है, आई इनपुट की अगर हम बात करें, आई इनपुट वो कितना है 5 एम्पियर. विथ मॉडुलेशन द करेंट वैल्यू इंक्रीजेड टू 5.9 विथ मॉडुलेशन. तो विथ मॉडुलेशन की वजह से हम IM लिख देते हैं कि विथ मॉडुलेशन से करंट कितनी हो जाती है, 5.9 एम्पियर हो जाती है. कह रहे थे डेप्थ ऑफ मॉडुलेशन बताइए, डेप्थ कितना है. तो मान लीजिए डेप्थ को हम D मान लेते हैं कि डेप्थ ऑफ मॉडुलेशन D है. इसमें एक रिलेशन होता है, देखिए अगर पढ़े होंगे तो कीजिएगा, नहीं पढ़े होंगे तो छोड़ दीजिएगा. ये क्या होता है याद रखे रहिएगा, आई विथ मॉडुलेशन अपॉन जो आपका इनपुट है करेंट है उसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 1 + D² / 2 के. अब यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, ये हो जाएगा 5.9/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + D² / 2. यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेगा तो आएगी आपकी अराउंड 0.7848 के आसपास. यहाँ से डी की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी 0.886 के आसपास. इसको परसेंट में अगर निकालेंगे तो 88.6 आपका आएगा, जो कि ऑप्शन आपको 4 दिख रहा है. ऑप्शन 4 जो होगा आपको क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा. इसको आप टिक कर लें. इसके बाद आइए हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ए डिजिटल नंबर. डिजिटल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. हेक्साडेसिमल तो बाद में देखेंगे, थोड़ा हम इसको डेसिमल में करके, मान लीजिए अभी तो हेक्साडेसिमल पूछा है, अगर हम इसी को हम पोल देकर डेसिमल में कन्वर्ट करिए तो आप क्या करेंगे. तो पहले डेसिमल में आइए, आपको बता देते हैं. सिंपल है डेसिमल में कन्वर्ट करना. ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 दिया हुआ है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो हम स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 × 2⁻⁷ + 0 × 2⁻⁶ + 0 × 2⁻⁵ + 1 × 2⁻⁴ + 1 × 2⁻³ + 1 × 2⁻² + 0 × 2⁻⁶ + 1 × 2⁻⁰. इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 1, 2, 8 + 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, बाकी ये जीरो वाले को मैंने काउंट नहीं किया. इसको कैलकुलेट कर दिया जाएगा 157. ये डेसिमल में कन्वर्ट होगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है. तो ये भी पूछ सकता है इसलिए मैंने आपको बता दिया. अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे. क्वेश्चन तो डायरेक्ट लग जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं. ये आपको वैसे पता है कि जब हेक्सा में चेंज करते हैं तो 0 to 9 तक रहता है, उसके बाद जो 10 होता है वो ए, 11 बी और 12 सी, इसी तरीके से बढ़ता जाता है. इसमें क्या करें, बहुत ईजी, इसको दो बार में ब्रेक कर दीजिए. ओके, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट. अब देखिए 1001, इसका हो जाएगा 1, फिर इसका हो जाएगा 1 × 2⁻⁠, फिर 0, 0 का 0, फिर ये हो जाएगा 2 × 2⁻⁷. देखिए 0, 1, 2, 3, ये हो जाएगा 8. 8 + 1 कितना आ गया, 9. अब देखिए ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, देखिए इधर का 1, इसका 0, इसका आएगा 2, इसका आएगा 8 + 2 + 1, ये आएगा 13. तो देखिए होगा क्या, 10 जो होगा वो ए देगा, 11 बी, 12 सी और 13 डी. इसका जो इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल होगा वो 9D होगा. तो 9D कहीं आ रहा होगा, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है. तो 9D जो हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा. तो इसको आप टिक कर लें. अब देखिए हम आपको बार बार बताते हैं कि जो DU है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है बहुत आता है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स को आप भूल के भी छोड़िएगा मत, क्योंकि आप अगर पेपर उठा के देखोगे तो आप पाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक जो है वो हमेशा पूछी जाती है. ओके, अब कह रहा है इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन इन सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड. देखिए डायोड जो होता है आप पढ़ लीजिएगा कि पीन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, क्या होता है एवलांचे ब्रेकडाउन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा. सोलर सेल क्या होता है, क्यों रिवर्स बायस में वर्क करता है, LED क्या होती है, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड ही क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा. जेनरेट ब्रेकडाउन क्या होता है, क्यों जेनर डायोड जैसे कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें कभी ना कभी पार्ट पार्ट करके पूछ दी जाती हैं. तो ये सब आपको चीज़ों को पता होना चाहिए, तभी आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे. तो देखिए क्या कह रहा है, इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन इन सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड इंक्रीज, जो डोपिंग कंसंट्रेशन है उसको हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. तो कह रहा है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा. ये तो एक लाइन क्वेश्चन है कि जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो डिक्रीज होता है, लेकिन क्यों होता है, ऐसा क्या हो जाता है कि जेनर ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाता है. देखिए जब डोपिंग कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देंगे सिस्टम के अंदर, ओके, जैसे आप डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो चार्ज के लिए कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, डोपिंग कंसंट्रेशन का मतलब चार्ज के लिए कंसंट्रेशन, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो जब इंक्रीज होगा तो जो डिप्लेशन विड्थ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. अगर डिप्लेशन विड्थ डिक्रीज होना स्टार्ट कर दी तो ब्रेकडाउन वोल्टेज वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें आप जरूर पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है. अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डबली मैजिक न्यूक्लियाई. देखिए
इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डबली मैजिक न्यूक्लियाई का क्या मतलब है। देखिए डबली मैजिक न्यूक्लियाई ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो दोनों के दोनों एक मैजिक नंबर के इक्वल होते हैं, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो मैजिक नंबर के इक्वल होते हैं। इस तरह के न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं डबली मैजिक न्यूक्लियाई। मैजिक नंबर क्या होता है आपको पता है, 2, 8, 12, 20, 28, तो ये सारी चीज़ें डॉट 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 ये सब क्या होते हैं, मैजिक नंबर होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो मैजिक नंबर हम कैसे करें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के इसके इक्वल हो जाए, मैजिक नंबर के इक्वल हो जाए। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए कैल्शियम, कैल्शियम को आप लिख सकते हैं, ये देखिए 48 C 20। ओके, ये होता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हो गया 20, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 48 - 20, तो ये हो गया आपका 28। तो 20 और 28 दोनों के दोनों क्या हैं, एक मैजिक नंबर है। तो ये क्या दे देगा, इस तरह के न्यूक्लियाई जो होते हैं वो डबली मैजिक न्यूक्लियाई कहे जाते हैं। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा आपका फोर्थ, वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। कह रहा है देखिए नेक्स्ट, विच रेडिएशन हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन पावर। देखिए ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन, क्लास ट्वेल्थ वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। अब मैं आपको बता दूँ, इस दफा पढ़े होंगे रेडियो एक्टिविटी में कि जो आयनाइजेशन पावर होती है अल्फ़ा की वो बीटा से ज़्यादा होती है और गामा की सबसे कम होती है। किसमें है आयनाइजेशन पावर, देखिए इस बार आयनाइजेशन पावर पूछा है लास्ट ईयर, हो सकता है इस बार पूछ दे पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर अल्फा की सबसे कम, फिर बीटा की, फिर गामा की। गामा की पेनिट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा होती है कि 25 सेंटीमीटर की अगर आपकी आपके पास मान लीजिए कि कोई स्टील की भी लेयर है तो उसको भी वो क्या कर देगी, पेनिट्रेट कर देगी। तो ये पेनिट्रेशन है, हो सकता है इस बार ये पूछ दें। ओके, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, पूछा जाता है जनरली। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा। तो जो भी आयनाइजेशन पावर होती है मैक्सिमम किसकी होती है, अल्फा की होती है। तो इसको आप क्या कर लें, टिक कर लें कि अल्फा जो होगा वो आयनाइजेशन पावर इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट चलिए चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है, फॉर बीटा माइनस डी के विच स्टेटमेंट इज ट्रू। बीटा माइनस डी के होता है तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होता है। ओके, अब देखिए बीटा माइनस दो तरह के डी के, देखिए तीन होता है, एक बीटा प्लस, एक बीटा माइनस और लास्ट में होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, बीटा प्लस, बीटा माइनस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो डी के है वो एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब बीटा माइनस में हम आ जाते हैं, तो देखिए बीटा माइनस डी के जनरली इससे क्वेश्चन भी जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, जो न्यूक्लियस होगा बीटा माइनस में वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा और एक एंटी न्यूट्रिनो को एमिट करता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो होता है उसका कन्वर्जन हो जाता है प्रोटॉन में। तो इस केस में क्या होता है कि जो प्रोटॉन होता है डॉटर न्यूक्लियस का वो ज़्यादा होता है पैरेंट न्यूक्लियस के, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या लिखा है, डॉटर न्यूक्लियर एटॉमिक मास एडी इज मोर देन डेट ऑफ द पैरेंट न्यूक्लियर एटम। डॉटर न्यूक्लियर एटॉमिक मास इज सेम एज द पैरेंट न्यूक्लियर, ये तो गलत है। डॉटर न्यूक्लियर न्यूट्रॉन इज लेस देन डेट ऑफ द पैरेंट एटम, ये भी गलत है। डॉटर न्यूक्लियर न्यूट्रॉन इज सेम डेट ऑफ पैरेंट न्यूक्लियर एटम, देखिए ये तीनों के तीनों गलत हैं। ओके, तो पहला जो ऑप्शन है कि डॉटर न्यूक्लियाई एटॉमिक मास जो होता है वो मोर देन डेट ऑफ पैरेंट न्यूक्लियाई एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, जिसको आप टिक कर लें, समझ लें क्या है। नेक्स्ट आइए चलते हैं, द प्रॉबिलिटी डेट स्टूडेंट ए सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/2 एंड बी इज 2/3, वॉट इज द प्रॉबिलिटी डेट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। देखिए अब यहाँ पे ए जो है, दो सिस्टम है, ए है और बी है, ए की प्रॉबिलिटी 1/2, बी की प्रॉबिलिटी है 2/3। ओके, तो अब ये तो सॉल्व करने की प्रॉबिलिटी है, अगर ये सॉल्व नहीं कर पाएगा उसकी प्रॉबिलिटी क्या है, इसकी हाफ है, और ये नहीं सॉल्व कर पाएगा उसकी प्रॉबिलिटी क्या है, इसकी 1/3 है। ओके, तो जनरली आप इस तरह क्वेश्चन लगाए हुए हैं तो अगर हम ए यूनियन बी निकालें, नेक्स्ट प्रॉबिलिटी वो हो जाएगी आपकी ए इंटरसेक्शन बी, मान लीजिए निकाल दें, ये हो जाएगी आपकी 1/2 × 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1/3। ओके, अब जो नेट प्रॉबिलिटी होती है, इस तरह क्वेश्चन लगाने का तरीका समझ लें आप, जो नेट प्रॉबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 1 PA + PB - PA × D। ए के सॉल्व करने की प्रॉबिलिटी 1/2, बी के सॉल्व करने की प्रॉबिलिटी 2/3, दोनों के सॉल्व करने की प्रॉबिलिटी 1/3, तो वही हो जाएगा -1/3। इसको सॉल्व कर लें आप तो नेट प्रॉबिलिटी जो आएगी आपकी वो 5/6 आ जाएगी, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है।
ये हो जाएगा 5/6, तो ऑप्शन 3 होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब कह रहे हैं आर द थ्री पॉइंट्स व्हिच पोजीशन वेक्टर आर दिस 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 आर कोलिनियर। कोलिनियर आपको पता है, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल दीजिए, अगर वो जीरो आएगा आप करके देख लीजिएगा इसका वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो मैं ये करके देख रहा हूँ, करके देख लीजिएगा कि ये जो क्या होगा कोलिनियर है कि नहीं। तो यस ये कोलिनियर है, मैं तो बोले कर देता हूँ मैं। चलिए टू ये होगा आपका 2 3 -4 1 -2 3 0 -7 10, ये हो जाएगा आपका 2 -20 +21, ये आपका हो गया -3, ये हो गया आपका -10 -0, ये हो गया आपका -4, ये हो गया आपका -7। ये -20 + 21 ओके कितना हुआ आपका 1 बचा, तो ये हो जाएगा 2, और ये आपका कितना होगा -30, और ये कितना होगा आपका +20। देखिए हाँ ये आ गया 0, ये क्या हो जाएगा यस कोलिनियर है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ओके, अब देखिए कह रहे हैं द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फंडामेंटल सोल्यूशन इज nth ऑर्डर आइडेंटिटी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जितने nth जितने ऑर्डर का होता है उतने ही सोल्यूशन आपको मिलते हैं, तो nth ऑर्डर के लिए आपको कितने सोल्यूशन मिलेंगे, n सोल्यूशन मिलेंगे। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट देखिए, इफ z1 = 2 - 3i एंड z2 = 4 + 6i देन फाइंड z1 / z2। ईजी क्वेश्चन है, z1 / z2 हमें फाइंड करना है, ये सब क्लास 11 में बताया जाता है, पढ़े होंगे आप लोग z1 / z2। हिंट दे रहे हैं कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 - 3i 4 + 6i, मल्टीप्लाई करिए 4 - 6i 4 - 6i, मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे, मैं उतना नहीं करने जा रहा हूँ, कर लीजिएगा। चलिए कर देता हूँ, 8 - 12i - 12i - 18 अपॉन ये हो जाएगा 16 + 36, करके देख लीजिएगा 36 8 - 18 - 10 / 52, और ये हो जाएगा -i - 12 12 24 24 / 52। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -5/26 और -6i / 13 कुछ आ रहा है। ऑप्शन देखिए -5/26 एंड -6i / 13, ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है वो राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा। ओके, इस तरह क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। रैंक का तरीका आपको पता है कैसे निकालते हैं, चलिए इसका डिटरमिनेंट देखिए, अगर 0 नहीं आ रहा तो वही रैंक हो जाएगी। 1 ये हो जाएगा आपका 2 - 6 - 5 4 - 3 + 1 + 1, ये आपको हो जाएगा 12 - 12 - अच्छा ये गड़बड़ हो रहा था, ये आपको कितना हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 9। देखिए ये 0 आ गया, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी में कर देता हूँ, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जल्दी जल्दी में ना करें। अभी देखिए 0 आ गया, इसका मतलब ये रैंक 3 हो ही नहीं सकता। ओके, आप किसी भी एक 2 × 2 को ले लीजिए, 2 - 6 ये 0 नहीं, और इसका मतलब इसका रैंक जो है वो 2 हो जाएगा। कितना रैंक है इसका, 2, तो ये हो जाएगा रैंक 2। तो इस तरीके से आज आई डोंट नो मैंने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो जल्दी मैं और भी जितने क्वेश्चन होंगे उसको ट्राई करूँगा उसका सोल्यूशन आपको देने की। और जो भी चैनल पर नए हैं वो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप तो फुल है, टेलीग्राम ग्रुप को एटलीस्ट ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं हर संडे को 2 PM पे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जल्दी फ्रेंड्स मैं और जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसका मैं सोल्यूशन आपको दे दूँगा। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी बन जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।